Welcome to this lesson, students. Today we are going to learn about a very exciting application of alternating currents and that is the physics of transformers. Now transformers, yeah, these transformers uh, are devices which step up or step down, ac voltages in today's class we are going to study the principle the working of a transformer and solve numericals to become good at it this is minish kulati on behalf of happy model higher secondary school bringing you this lesson so let's begin transformers we said are of two types step up transformers and step down transformers step-up transformers what they do is they increase the output voltage se voltage kamaria you want to increase the voltage you will use a step-up transformer and if you want to decrease the voltage for example when you want to charge your mobile phone in the house we are getting 220 volt but the voltage required for charging a mobile is only 5 volt and that also dc

ट्रांसमिशन टावर्स होते हैं बड़े वाले उस पर लिखा होता है 44,000 वोल्ट लेकिन हमारे घर में तो 220 आती है हमारे मोहल्ले में कोई 1100 हंड्रेड वोल्ट आ रही है मोहल्ले के ट्रांसफार्मर तक तो ये वोल्टेज को हम स्टेप अप और स्टेप डाउन कर पाते हैं ये मेन एडवांटेज है वन ऑफ द बिग एडवांटेज ऑफ ऑफ एन ए सी ऑल्टरनेटिंग करेंट ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज करते कैसे हैं वॉट इज द प्रिंसिपल सो वॉट वी डू इज वी टेक सॉफ्ट आयरन कोर ये ग्रीन वाला हमने एक बताया एक सॉफ्ट आयरन कोर वी विल शो यू द पिक्चर ऑल्सो लेटर एक सॉफ्ट आयरन कोर लिया क्यों सॉफ्ट आयरन बिकॉज सॉफ्ट आयरन की क्वालिटी है दैट मैग्नेटिक लाइन्स उसमें से गुजरना पसंद करती हैं उसकी रेलिटिव परमीएबिलिटी टू थाउजेंड होती है और एक तरफ हमने एक वायर लपेट दिया दिस ब्लू वायर कॉल द प्राइमरी वायर एक सॉलीडोइॉइड बना दिया प्राइमरी कॉल एंड दिस इज कनेक्टेड टू अ इनपुट ए सी सोर्स एंड द आउटपुट तो यहां पर मैग्नेटिक लाइन्स पैदा हो जाएंगे और मैग्नेटिक लाइन्स जो है किससे गुजरेंगी दिल दिल पास थ्रू द रेड कॉल्ड एज द सेकेंडरी एंड द आउटपुट विल बी टेकन ऑन दिस साइड यहां पर एक रेजिस्टेंस है लोड रेजिस्टेंस लेट अपोज नंबर ऑफ टर्न ऑफ द प्राइमरी कॉयल आर एन पी एंड नंबर ऑफ टर्न ऑफ द सेकेंडरी कॉयल आर एन एस राइट सो दैट इज हाउ यू विल क्रिएट अ ट्रांसफार्मर हाउ विल इट वर्क वॉट हैपन्स वॉट इज द प्रिंसिपल वॉट इज द कंस्ट्रक्शन तो लेट्स लुक एट द प्रिपल द ट्रांसफार्मर दिस इज वॉट यू नो फिजिकली अ ट्रांसफार्मर लुक्स लाइक आपने देखे होंगे कई डिवाइस के अंदर ऐसे ट्रांसफार्मर हमारे मोहल्ले में ट्रांसफार्मर होता है वो भी हम थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे राइट right? तो so, आप देखते हैं इसके अंदर क्या होता है एक प्राइमरी कॉल होती है जिसमें दो तारें होती हैं दिस विल गो टू टू ट्वेंटी वोल्ट एंड एक सेकेंडरी कोयल जो साइड होती है वहाँ पे तीन तारें होती हैं दिस इज कॉल्ड सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर सेंटर टैप्ड मतलब दैट जब ट्रांसफार्मर हम बनाते हैं तो क्या करते हैं प्राइमरी कोयल को तो ऐसे रेड वाली कॉयल के हम नंबर ऑफ टर्नस सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर डाल देते हैं राइट right? लेकिन जो सेकेंडरी होती है ना उसको जब घुमा रहे होते हैं मान लो हमने डिसाइड किया हंड्रेड टर्न्स देने हमने सेकेंडरी के तो हमने तार को घुमाया 50 टर्न्स लेने के बाद यहाँ से थोड़ा सा वायर को निकेट करते हैं और एक और वायर निकाल देते हैं यहाँ से इसको टच जोड़ देते हैं सोल्डर कर देते हैं यहाँ पे जोड़ देते हैं और एक वायर और निकाल लेते हैं ग्रीन वाली उसके बाद 50 टर्न्स और दे देते हैं सो एज अ रिजल्ट हमारे पास एक जो सेकेंडरी वाली कॉयल है वो थ्री टर्नस थ्री टर्मिनल्स वाली वायर बन जाती है ए बी एंड सी एंड ये जो सेंटर वाली बी है ये बिल्कुल मिडल में होती है इन पूरी ब्लू uh, वायर के जो ग्रीन वाली वायर है वो सेंटर में है तो अगर हमारी जो आउटपुट आ रही है वो आ रही है नाइन ओ नाइन दैट मीन्स ये प्लस नाइन ये ज़ीरो ये माइनस नाइन क्योंकि ए सी है तो चेंज होती रहेगी थोड़ी देर के बाद ये प्लस नाइन हो जाएगा ये ज़ीरो ही रहेगा और ये माइनस नाइन रहेगा तो ये सेंटर टैप करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं जब हम रेक्टिफायर करेंगे तो हमको पता चलेगा सेंटर टैप का हम क्या क्या फ़ायदा लेते हैं बट इमीजिएटली जो हमको दिखाई देता है That we can take three kinds of outputs. We can take a 220 volt input, ho, hum convert kar sakte. Agar humne kya we can convert it. If we are connecting, suppose we are uh, connecting, taking this terminal and this terminal, then I will get a 9 volt AC. If I use this terminal and this terminal, I can also get a 9 volt AC. right. If I use uh, this terminal and uh, this terminal, I can get plus 9, say minus 9, that is 18 volt AC. तो तीन तरह की ए हम तीन आउटपुट्स ले सकते हैं फ्रॉम अ सिंगल ट्रांसफार्मर तो जनरली आप मेन्यू बाया ट्रांसफार्मर लिखा होता है सिक्स ओ सिक्स है ना बॉडी जो होती है ट्रांसफार्मर की यहाँ पर इधर ऊपर दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर लिखा होगा नाइन ओ नाइन नाइन ओ नाइन नाइन जीरो नाइन दिखाई देगा तो प्लस नाइन जीरो एंड माइनस नाइन वोल्ट दैट इज़ अ काइंड ऑफ आउटपुट दैट यू कैन गेट तो ट्रांसफार्मर पर लिखा रहता है कि ये ट्रांसफार्मर किस चीज़ के लिए डिज़ाइन किया गया है So, let us come to the, the the principle of a transformer. So, the principle is listen carefully, the principle is that a transformer is based on the principle of mutual induction. Principle of mutual induction Whenever the magnetic flux flowing through one coil, say the primary coil is changing and why will the magnetic lines change because the current flowing through the primary coil changes the current flowing through the primary coil is a ac current whose magnitude changes at every instant and direction changes periodically so you have said the number of lines of nikelangi what is the magnetic field due to a, a, a solenoid and we know the magnetic field due to a solenoid is given by this expression b is equal to because here yeah, medium is, So I will say uh, mu m into n into i, where n stands for the number of turns per unit length, right. This is what is what is n equal to number of turns per unit length. Now, because the current itself is a varying current, uh, this current is not a constant current, this is a varying current. So, the magnetic field jo hai wo be वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होगी बिकॉज द करेंट इट्स सेल्फ इज वेयरिंग द मैग्नेटिक फील्ड विल ऑल्सो भी वेयरिंग विच मीन्स दैट द मैग्नेटिक लाइन्स द फ्लक्स ऑलवेज इज वेयरिंग और जब जब बदलाव होता है और ये बदलाव कहाँ से गुजरेगा इस सॉफ्ट आयरन कोर्स से तो जो सेकेंड्रिक कॉयल है उसमें से भी वो मैग्नेटिक लाइन्स पास करेंगी एंड एज द रिजल्ट वॉट वुड है इंड्यूज द वोल्टेज वुड बी प्रोड्यूसड इन द सेकेंड्री कोयल and if the input is you know plus minus then the output will be minus plus why minus plus because remember the induced emf produced in the secondary coil es right is equal to is equal to minus negative of number of turns of the secondary coil into d phi m minus d phi m by dt right hey, laws of electromagnetic induction. The direction of the induced Lenz's law voltage negative sign is in accordance with the Lenz's law. It says the direction of the induced EMF is such that it opposes the cause that produces it. right. Uh, so, that is it as far well as the principle is concerned, that is based on the principle of mutual induction. Now, let us come to the construction. The, a transformer consists of two coils primary and secondary which are wound over the same soft iron core if the primary has np number of turns and the secondary has ns number of turns then we are able to obtain we are able to obtain a, a transformer right so uh, this is the kind of uh, construction that is observed in the case of a transformer now uh, let us look at the, the theory of a transformer right now from the laws of electromagnetic induction we know that the induced emf set up in the primary coil is given as minus np the number of turns of the primary coil into d phi m by dt

जो है वो गुजरती हैं थ्रू द सेकेंडरी कोयल जो जो बदलाव प्राइमरी का होता है वो सेकेंडरी को भी दिखाई देता है और जब जब फ्लक्स बदलता है किसी भी कॉयल में से तो एक इंड्यूस वोल्टेज सेटअप हो जाती है राइट सो इफ आई डिवाइड इक्वेशन नंबर वन टू बाई इक्वेशन नंबर वन तो ई एस इज माइनस एन एस डी फाई एम बाई डी डी दिस इज इन अकॉर्डेंस विद म्यूचुअल इंडक्शन प्राइमरी में वही सेम फ्लक्स इन द सेकेंडरी कॉय राइट सो एजल्ट वॉट वी ऑब्जर्व इज वो तो कैंसिल हो जाएगा वॉट वी आर गो टू लेफ्ट विद इज ई एस बाईपी एस बाईपीज गोन टू बीवल टू एन एस बाय एन पी एन एस इज द नंबर ऑफ टर्न ऑफ सेकेंडरी एन पी इज द नंबर ऑफ टर्न ऑफ प्राइमरी this is a constant for a given transformer ek a transformer bana diya to number of turns of secondary and number of turns of primary are going to be equal and this ratio is called as the transformation ratio k also we learn that kitna voltage paida hoga kisi secondary coil mein is directly proportional to the number of turns of the secondary डायरेक्टली ऊपर एन एस है EP नीचे है तो नीचे NP है सो वी आर लर्निंग दैट कितना वोल्टेज बनता है वो करेगा सो so, कितना होगा सपोज वी वॉन्ट टू डिजाइन स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर एंड इन विच प्राइमरी में द नंबर ऑफ टर्न्स आर हंड्रेड सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न आर टेन थाउजेंड एंड द वोल्टेज गिवन टू द प्राइमरी कॉयल इज टू ट्वेंटी वोल्ट वॉट इज द वोल्टेज वी विल गेट अक्रॉस द सेकेंडरी सो यूजिंग दिस फार्मूला वी गेट ई एस इज इक्वल टू एन एस बाई एन पी इन ई पी ना इफ आई पुट द वैल्यूज आई विल फाइंड टेन थाउजेंड बाई हंड्रेड दो जीरो दो जीरो से का साथ कैंसिल हो जाएंगे दो जीरो दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे बचेगा हंड्रेड इंटू टू ट्वेंटी दैट इज ट्वेंटी टू थाउजेंड वोल्ट सुविया बिनेबल ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें सेकेंडरी में टर्न ज्यादा होते हैं वो एक स्टेप डाउन स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर बनता है राइट सो यू कैन हैव टू काइंड ऑफ ट्रांसफार्मर्स डिपेंडिंग अपॉन दिस रेशियो कॉल्ड एज द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो राइट एन एस बाय एन पी इफ एन एस बाय एन पी इज ग्रेटर दैन वन जैसा इस न्यूमेरिकल में था एन एस वॉज टेन थाउजेंड एन पी इज हंड्रेड तो रेशियो कितना है इनका हंड्रेड सो होगा क्या जो वोल्टेज है वो हंड्रेड टाइम ज़्यादा हो जाएगी दिस इज़ कॉल्ड अ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है ना दो सौ बीस का हंड्रेड टाइम कर दोगे तो ट्वेंटी टू थाउजेंड बन जाएगा बट इफ़ एन एस बाई एन पी इज लेस दैन वन ये कब होगा इफ नंबर ऑफ टर्नस ऑफ सेकेंडरी कोयल आर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ लेस दैन नंबर ऑफ टर्नस ऑफ द प्राइमरी कोयल ऐसा जब होगा राइट नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी जो है वो कम होंगे एन पी से तो विल हैपन इज वी विल हैव अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर सो वेन वी आर मेकिंग अ ट्रांसफार्मर फॉर चार्जिंग अ मोबाइल फोन वो जो हमारा अडेप्टर होता है अगर उसको कोई पुराना अडेप्टर है उसको आप तोड़ के देखेंगे यू विल फाइंड देर वुड बी अ स्मॉल ट्रांसफार्मर इन साइड एंड अनदर सर्किट ऑल्सो कॉल्ड अ रेक्टिफायर सर्किट बट एक ट्रांसफार्मर होगा जो क्या करता है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है इट कन्वर्ट्स 220 हंड्रेड ट्वेंटी वोल्ट एसी इंटू फाइव वोल्ट ए सी राइट सो देर आर ट्रांसफॉर्मर्स एंड ट्रांसफॉर्मर्स अराउंड हमारे पास वेरिएबल ट्रांसफॉर्मर्स भी हो सकते हैं जैसे हमारे पास uh, टीवी के पुराने टाइम पे ट्रांसफॉर्मर्स होते थे हम अपने यहाँ घर का ट्रांसफार्मर होता है इसको हम हिला के टिक 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 करके उसको हम स्टेप अप अपनी मर्जी से स्टेप अप एंड मर्जी से स्टेप डाउन ऐसा करने के लिए हमने क्या किया होता है दैट घुमाते घुमाते कई सारे टर्न्स लिए होते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सो अगर नंबर ऑफ़ टर्न्स बढ़ाओगे मान लो एक कॉमन टर्मिनल है अगर आप इसको यूज़ करोगे तो कम टर्न्स हैं तो so, ये कम स्टेप अप करेगा स्टेप डाउन करेगा तो बेसिकली नंबर ऑफ टर्न्स को हम वेरिएबल कर रहे हैं अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स को कम करेंगे तो कॉमन और वन के बीच में हम लेंगे आउटपुट राइट यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने हो तो हम जो आउटपुट लेंगे वो एक कॉमन से लेंगे और एक फाइव से लेंगे अब नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी के बढ़ गए सो so, कितने टर्न्स हम रखना चाहते हैं दैट विल डिसाइड दैट हाउ मच यू वांट टू स्टेप अप और हाउ मच यू वांट टू स्टेप डाउन ओके okay. तो so, आजकल तो वोल्टेज ठीक आ रही हैं लोगों के घरों में ऑटोमेटिकली पीछे से तो वी आर नॉट यूजिंग मेनी ट्रांसफार्मर्स एट होम बट अर्लियर ऑन इन उमपोर द वोल्टेज यूज टू बी लो देन वी नीड टू हैव ट्रांसफॉर्मर्स इंस्टॉल्ड टू स्टेप अप द इनकमिंग वोल्टेज राइट नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर डिस्कसिंग इट हाउ मच करेंट्स आर देयर इन द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी कॉयल ऐसा देखने में आपको लगेगा कि ये तो बड़ी सही बात है दो सौ बीस वोल्ट को हमने बाईस हजार वोल्ट बना दिया ये तो हमने प्रोड्यूस कर दिया कुछ ऑलवेज रिमेंबर ट्रांसफार्मर इज जस्ट अ ट्रांसफार्मर वोल्टेज इज स्टेप अप स्टेप डाउन करता है इट इज नॉट अ क्रिएटर और अ प्रोड्यूसर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पर ओम्सला वैलिड नहीं है ट्रांसफॉर्मर्स में कि वोल्टेज बढ़ेगी करंट भी बढ़ेगा ऐसा नहीं है द प्रिंसिपल ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज दैट द टोटल एनर्जी कमिंग इन इन द प्राइमरी कोयल शुड बी इक्वल टू द टोटल एनर्जी गोइंग आउट ऑफ द सेकेंडरी कोयल इफ़ द ट्रांसफार्मर इज अ हंड्रेड परसेंट एफिशेंट ट्रांसफार्मर नाउ एनर्जी का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है इज वी आई टी Remember V voltage into current into time. AC, may have done this. E voltage in the coming in the primary into current in the primary into time will always be equal to the voltage going out of the secondary into current going out of the secondary into time. Now, time is the same on both the sides. So, I can tuck, tuck, cancel time. So, I get Es divided, cross multiply Es by E P that is the ratio of the voltage in the secondary to the voltage in the primary is equal to kyha i p by is ulta r a but we have already derived with you that es by e p es by e p is equal to n s by n p. So I can use that here as well and I can say E S by E p is equal to N S by N P but it is equal to I p by आई एस एंड एन एस बै एन पी क्या है इट्स कॉल्ड द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो वी कैन क्लियरली सी फ्रॉम दिस इज दैट वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स। द नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा करेंगे तो आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगी लेकिन ई एस इधर है आई एस नीचे है इसका मतलब वोल्टेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करेंट इफ आई स्टेप अप द वोल्टेज वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट कम हो जाएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग एक बढ़ाया तो किसी और को कम होना पड़ेगा पावर प्रोड्यूस नहीं हो रही है ट्रांसफॉर्मर इज नॉट अ प्रोड्यूजर ऑफ पावर इट इज जस्ट अ ट्रांसफॉर्मर कन्वर्टर फ्रॉम वन वोल्टेज टू अनदर वोल्टेज सो वॉटर वी गेन इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज वी लूज इन टर्म्स ऑफ करेंट दैट मीन्स बाईस हजार वोल्ट जो बनाई थी हमने 220 वोल्ट से उस उसमें करंट कम हो जाएगा तो वोल्टेज बढ़ाते हैं करंट कम हो जाता है एंड वाइस वर्सा अगर वोल्टेज कम किया तो करंट बढ़ जाएगा तो आप जब अपने मोबाइल फ़ोन का चार्जर है उसमें 220 वोल्ट को आप पाँच वोल्ट में कन्वर्ट करते हो तो करंट बढ़ जाएगा बट उतना ज़्यादा करंट अगर हो गया दैट विल बी डैमेजिंग फॉर योर मोबाइल फ़ोन तो हम एक तो पहले उसको डीसी में कन्वर्ट करेंगे प्लस हम उसको जो है और कम करेंगे करंट को कंट्रोल करेंगे बाय द यूज़ ऑफ अ रेजिस्टेंस और इंडक्टर बिफोर ट्रांस बिफोर उसको डीसी में कन्वर्ट किए पहले हम उसको कैपेसिटर भी यूज़ कर सकते हैं हम इंडक्टर भी यूज़ कर सकते हैं पावर भी वेस्ट नहीं होगी तो हम उसको उसकी मैग्नीट्यूड को कम करेंगे फिर हम उसको कन्वर्ट करेंगे इनटू डीसी सो so, आप देख सकते हैं जब वोल्टेज बढ़ती है तो करंट कम हो जाता है और जब वोल्टेज को हम कम करते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में तो करंट बढ़ जाता है ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जब हमको तो हमने ये कहा ओवरऑल बात इन अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर सेकेंडरी वोल्टेज इंक्रीज़ेस बट द सेकेंड्री करेंट डिक्रीज इन स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर जो 220 को लोअर वोल्टेजेस में कन्वर्ट करता है उसमें सेकेंडरी में आउटपुट की वोल्टेज कम हो जाती है लेकिन आउटपुट का करंट बढ़ जाता है इंक्रीज हो जाता है राइट मेक सेंस वेरी नाइस सो सो फार सो गुड ऐसे ट्रांसफार्मर्स आपने अपने मोहल्ले में देखे हैं राइट वीज आर दी मोहल्ला ट्रांसफार्मर्स नाउ यहाँ से एक वोल्टेज आ रही है प्राइमरी है कुछ आउटपुट जाएगी सेकेंडरी है uh, दिस इज़ वॉट ट्रांसफार्मर लुक्स लाइक यू नो एक्सटर्नली बाहर से जो मोहल्ले का ट्रांसफार्मर होता है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर इज दैट इट कैन बी यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन लेटस टेक एन एग्जाम्पल हमारे पास उधमपुर में दडन पावर हाउस लडन पावर हाउस और से एक और जखैनी के अंदर यू हैव अ ग्रिड स्टेशन You know the air distance would be something like five kilometers. So we generate electricity here at Ludden Powerhouse, and we bring it to a distance of five kilometers to Jakhani. Manlo, suppose let's do a you know, real numerical now. Suppose the power being generated by the turbine at Ludden Powerhouse is a two megawatt, and it is producing voltage at four hundred and forty volt. और जो ये वायर्स हैं ये वायर्स हैं करंट जाएगा कहाँ पे आगे और वापस सर्किट तो पूरा कंप्लीट चाहिए तो पाँच किलोमीटर आगे पाँच किलोमीटर पीछे लेट अस सपोज़ ये जो वायर्स हैं उनकी रेजिस्टेंस है पॉइंट फाइव ओम पर किलोमीटर आधा ओम बड़ी अच्छी वायर्स हैं आधा ही ओम है इनकी रेजिस्टेंस एक किलोमीटर लंबी तार की दस किलोमीटर की कितनी हो जाएगी पॉइंट फाइव इंटू टेन दैट विल बी फाइव ओम्स तो रेजिस्टेंस ऑफ दीज वायर्स इज़ फाइव ओम्स मान लो हम इसको इसको बिना स्टेप अप किए ऐसे के ऐसे भेज देते हैं टू मेगावाट पावर को हम भेज देते हैं जखैनी जा और जखैनी से फिर पूरे मल्ले में उधमपुर में फैल जा ऐसे पूरे उधमपुर के मल्ले में फैल जा सो व्हाट इज द करेंट इन द वायर्स नाउ वी नो पावर इज इक्वल टू वी इनटू टू आई आई इज इक्वल टू पावर अपॉन वोल्टेज पावर कितनी है टू मेगा वॉट दैट इज टू इंटू टेन रिज द पावर ऑफ सिक्स वॉट एंड द वोल्टेज इज फोर हंड्रेड एंड फोर्टी वोल्ट इफ आई सॉल्व दिस आई गेट दैट माई करेंट इज गुड बी फोर पॉइंट फाइव फाइव इंटू टेन रिज बा थ्री एम्पियर्स लार्ज करेंट और जब ये करंट फ्लो करेगा तो क्या होगा जूल्स हीट लॉस होगा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग सेज वैन एवर अ करेंट आई फ्लोज थ्रू अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर फॉर अ टाइम टी दैन द हीट लॉस विल बी आई स्क्वायर आर टी एंड वॉट इज द पावर लॉस पावर लॉस इज गुड बी एच बाई टी पावर क्या होता है वर्क डाउन हीट एनर्जी लॉस पर यूनिट टाइम सो टाइम को इधर ले आया हूँ मैं टाइम को इधर ले आया तो पावर बन गया ये सो हीट लॉस पा यूनिट टाइम विल बी आई स्क्वायेर इन टू आर आई हमने ढूंढ लिया ये डाल दो इसके अंदर आई स्क्वायर और रेजिस्टेंस कितनी है इसकी फाइव ओम्स यू विंड वन पॉइंट जीरो थ्री इंटू टेन रेस पास सिक्स वॉट अरे भाई अरे हमने टू इंटू टेन रेस पास सिक्स पैदा की है टू मेगावाट पैदा की है और वन मेगावाट से थोड़ा सा ज़्यादा लॉस हो गया ओ रो वेरी बैड पचास परसेंट एनर्जी वेस्ट हो गई हमारी दिस इज नॉट डन इतनी मुश्किल से बिजली पैदा की थी पचास परसेंट तारों ने खाली ना सिर्फ तारें खाएंगी तारें गर्म हो जाएंगी तारें मेल्ट भी हो सकती हैं तो ये तो ट्रांसमिट करना तो बहुत मुश्किल हो गया इतना दूर कैसे ट्रांसमिट करें बिग प्रॉब्लम बिग प्रॉब्लम लेट्स आस्क साइंस फॉर अ सोल्यूशन फिजिक्स देवता जी बताओ क्या करें फिजिक्स देवता बोलते हैं मैंने बनाए हैं ना एक ट्रांसफॉर्मर क्या करो 440 वोल्ट को बढ़ाओ और उसको कन्वर्ट करो स्टेप अप ट्रांसफार्मर से 44,000 वोल्ट में जब आप वोल्टेज को बढ़ाओगे तो बच्चा लोग करंट कम हो जाएगा यही पढ़ा है हमने ट्रांसफार्मर में तो लेट अस सी मैंने डिसाइड कर लिया मैं 440 सौ वोल्ट को 100 गुना बढ़ाऊंगा 44,000 वोल्ट बनाऊँगा सो ई एस बाई ई पी टू आई पी बाई आई एस लेट सी करंट हमको ऑलरेडी हमको पता है हमने न्यूमेरिकल किया है पिछला इतना करंट फ्लो कर रहा था अब स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में डालने के बाद क्या होगा द करेंट ये फॉर्मूला में डालो ई एस बाई पी इंटू आई पी आई एस ऊपर आ गया ये दोनों ऊपर चले गए तो सॉल्व किया तो आया 45.5 एम्पियर्स अब इतना करंट हो गया बहुत बढ़िया अब लेट्स सी पावर लॉस क्या होगा आई स्क्वायर आर दैट इज 45.5 का स्क्वायर इंटू फाइव ओम्स एंड दैट इज़ टेन किलो वाट अब ये चलेगा ये चलेगा है ना इट्स लाइक सेंग कि हमारे पास टू मेगा वाट मतलब बीस लाख यूनिट हमने पैदा की और उसको बीस लाख रुपए को हमने ट्रांसपोर्ट करने में दस हज़ार रुपया खर्चा किया सेफ्टी के लिए अच्छी बात है कोई बात नहीं इतना हम सह है सकते हैं सो वी हैव लर्निंग प्रैक्टिकल लर्निंग मैंने उधमपुर के प्रैक्टिकल रियल सिचुएशन के साथ सॉल्व करके बताई आपको दैट इफ़ यू डू नॉट यूज़ अ ट्रांसफार्मर दैन देर विल बी अवज लॉसेस इनफैक्ट जब जखैनी पावर स्टेशन से आपके मोहल्ले बाड़िया में साले तालाब में शिवनगर में कहीं भी बिजली आती है वो भी हाई वोल्टेज पर भेजते हैं हम और फिर मोहल्ले का ट्रांसफार्मर जो है उसको स्टेप डाउन करता है राइट तो किसी भी मोहल्ले में दो तरह की तारें होती हैं हाई वोल्टेज वाली तारें होती हैं एक फीडर उनको फीडर वायर्स बोलते हैं जो जखैनी से लेकर आपके मोहल्ले तक आती हैं हाई वोल्टेज लेकर और फिर मोहल्ले का ट्रांसफॉर्मर जो है उसको कन्वर्ट करता है इनटू 220 वोल्ट एंड देन इट इज़ सेंड टू द टू द लोकेलेटी राइट सो यू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर ट्राइंग टू से ग्रेट नाउ Let's do some more transformer calculations, numericals. Having understood so far, let's do some more numericals. Now, numerical goes like this: uh, How much current is drawn by the primary coil of a transformer which steps down, which steps down 220 volt to 22 volt to to uh, ऑपरेट डिवाइस ऑफ इंपीडेंस 220 ओम कितना करंट प्राइमरी कॉयल खींचेगी तो लेट अस सी व्हाट ऑल इज गिवन अगर गिवन पता चलेगा हम न्यूमेरिकल भी सोचेंगे सो वी आई इनपुट वोल्टेज इज 220 आउटपुट वोल्टेज इज 22 22 ट्वेंटी वोल्ट और राइट इनपुट करंट पता नहीं लेकिन ये पता है कि आउटपुट की इंपीडेंस टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज 220 ओम ट्रांसफार्मर में बच्चा लोग एक ही तो फार्मूला है ट्रांसफार्मर फार्मूला एंड दैट इज आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज इज इक्वल टू इनपुट करेंट अपॉन आउटपुट करेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ आउटपुट अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इनपुट नंबर ऑफ टर्न्स तो यहाँ दिए नहीं है तो हमको ये वाला थर्ड पार्ट इसका यूज होने का नहीं है राइट दिस इज नॉट टू बी यूज नाउ हीयर लेट अस ट्राई फाइंडिंग व्हाट इज द आउटपुट करेंट फर्स्ट आउटपुट करंट विल बी और दिस सेकेंड फार्मूला इज लॉ लगाते हैं करंट इज वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस वोल्टेज आउटपुट पता हमको 22 टू आउटपुट रेजिस्टेंस पता इनपुटेंस पता 220 ट्वेंटी तो आउटपुट करेंट इज वन बाय टेन एम्पियर फर्स्ट प्रॉब्लम में इक्वेशन में क्या प्रॉब्लम थी हमको आउटपुट वोल्टेज पता है इनपुट वोल्टेज पता है लेकिन ना इनपुट करंट पता था ना आउटपुट करंट पता था लेकिन आउटपुट में ये दोनों पता थे हमको है ना ये हमको दोनों पता थे तो हमने पहले तो इसका इस्तेमाल किया करंट ढूंढने के लिए ओम्स लॉ के इस्तेमाल किया तो ट्वेंटी टू वोल्ट अपॉन टू ट्वेंटी दैट्स वन बाय टेन ऑफ एन एम्पियर अब क्या फ़ायदा हो गया अब हमको आई पता चल गया है हमको वी पता है हमको वी पता है और आई भी पता है अब तो आई आई सकते हैं राइट टू ट्वेंटी टू अपॉन टू ट्वेंटी इज इक्वल टू आई आई अपॉन वन बाय टेन तो ये कटेगा तो वन जा टेन ज़ा so 1 by 10 1 by 10 okay so here so I have 1 by 10 is equal to 10 is equal to 10 uh, I input therefore I input will be 1 by 100th of an ampere that is 0 0.01 ampere right there happy okay let us. Uh, do one more uh, numerical. It says a transformer has an efficiency of 90 percent and is working on a 100 volt 2 kilowatt power. If the current in the secondary coil is 5 ampere, calculate A the current in the primary, B the output power, and C the voltage of the secondary. So let us write down, read the numerical once again and write down what is given. So we are given efficiency is 90 percent. So eta symbol for efficiency is 90 percent, which means 90 by 100, 9 by 10, and efficiency is always a ratio of output to input. Let us say output power divided by input power. Ideal transformer 100 percent efficient, but real transformers are not 100 percent. राइट सो वी हैव सम्यूज हेयर आई नो प्राइमरी वोल्टेज इज हंड्रेड वोल्ट एंड प्राइमरी पावर इज टू थाउजेंड वॉट टू किलो वॉट दैट मीन्स टू थाउजेंड वॉट वी हैव टू फाइंड वॉट इज वी एस पी एस एंड आई आई एस पता है मेरे को ना सेकेंडरी कॉयल में करेंट कितना है इज फाइव एम वी मेक अ कॉलम एक प्राइमरी के लिए एक सेकेंडरी के लिए तो हमको पता दिखाई देता है क्या क्या मालूम है तो वी एस मालूम और हमको वी एस बाई वी पी इजिकल टू आई पी बाय आई एस एंड सेकेंड फार्मूला जो हमको मालूम है आउटपुट पावर कितना है नाइन्टी परसेंट नाइन बाय टेन इंटू टू थाउजेंड दैट मीन्स अंदर आ रही है दो हज़ार वाट बाहर जाएगी अठारह सौ वाट एटीन हंड्रेड वाट राइट right? तो 1800 हंड्रेड वॉट अब पता चल गया आप अब हम जानते हैं पावर क्या होता है करेंट इन टू वोल्टेज इज कॉल्ड पावर राइट सो वी विल हैव दिस वी एस क्या हो जाएगा पी एस अपॉन आई एस एस मतलब सेकेंडरी पावर इन द सेकेंडरी अपॉन करेंट इन द सेकेंडरी दैट इज 1800 हंड्रेड वॉट अपॉन फाइव एम्पियर आई सॉल्व दिस आई गेट वोल्टेज इन द सेकेंडरी इज 360 हंड्रेड वोल्ट तो हमको पता चल गया कि आउटपुट पावर इज 1800 हंड्रेड वॉल्ट एंड वोल्टेज इन द सेकेंडरी इज 260 सिक्सटी वोल्ट तो ये ट्रांसफॉर्मर क्या करता है 100 वोल्ट को स्टेप अप करता है इन टू ओके 360 हंड्रेड एंड सिक्सटी वोल्ट राइट एंड देन थर्ड पार्ट इज वॉट इज द प्राइमरी करेंट प्राइमरी लगा दो इज इक्वल टू पावर क्या होता है वो वी इन आई दोनों प्राइमरी के लिए आई पी विल बी प्राइमरी वोल्टेज इज टू थाउजेंड वॉट एंड प्राइमरी वोल्टेज इज हंड्रेड सो दैट इज ट्वेंटी एम्पियर सो वी हैव सॉल्व द होल थिंग अप फॉर यू हियर इफ आई वॉन्ट टू लुक एट द होल न्यूमेरिकल इन वन शॉट दैट्स इट राइट टेक अ स्क्रीन शॉट एंड मे बी सॉल्व इट अप योर सेल्फ राइट नाउ ट्रांसफार्मर के अंदर कई सारे लॉसेज होते हैं ना ट्रांसफार्मर लॉसेज दैट इज़ वॉट वी कॉल दैम सो ट्रांसफार्मर लॉस इज़ कौन कौन से हैं और कैसे हम उसको करते हैं वो देख रहे हैं तो एक तरह का जो लॉस होता है हमारे पास उसको हम बोलते हैं एडी करेंट लॉसेस। ट्रांसफॉर्मर लॉसेस फर्स्ट काइंड ऑफ ट्रांसफार्मर लॉस इज़ अ एडी करंट लॉस न एडी करेंट्स क्या होते हैं हम जानते हैं जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स किसी मटेरियल में से गुजरता है है ना ये मटेरियल है उसमें से मैग्नेटिक लाइंस गुजर रही हैं रेड रेड वाली ऐसे गुजर रही हैं तो एक इन एक सर्कुलेटिंग करंट्स बन जाते हैं कॉल्ड एडी करेंट्स प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़े हैं एडी करेंट्स आपके साथ सर्कुलेटिंग करंट्स होते हैं और ये करंट्स क्या करेंगे हीट प्रोड्यूस करेंगे हमारा ट्रांसफॉर्मर की जो कोर है वो गर्म हो जाएगी गर्म हो जाएगी तो वो लेस फेरोमैग्नेटिक हो जाएगी फ्लक्स भी उतने अच्छे से जाने नहीं देगी अब हम करें क्या रास्ता क्या है हमारे पास तो हम क्या करते हैं रादर देन यूजिंग सिंगल ब्लॉक एक मोटा सा लोहा यूज करने की बजाय हम ऐसी पतली पतली बहुत सारी शीट्स यूज करते हैं थिन थिन शीट्स यूज करते हैं और ये जो शीट्स हैं इनको जोड़कर एक मोटा सा ब्लॉक बनाते हैं लेकिन जोड़ने से पहले ये जो शीट्स हैं इनको हम लेमिनेट करते हैं लेमिनेट मतलब इनके ऊपर हम एक वार्निश का कोटिंग करते हैं पेंट की कोटिंग करते हैं ताकि अब ये नॉन कंडक्टिंग हो जाए सो वटन इज ऐसे खूब सारी शीट्स को जोड़ के हमने ऐसे एक ब्लॉक बनाया तो लैमिनेटेड शीट्स को यूज करके वी आर एबल टू रिड्यूस द लॉस जीरो नहीं कर सकते हैं क्योंकि पतली सी शीट गया कुछ तो एडी करंट्स होंगे राइट right? बट बहुत कम कर देंगे करंट को क्यों करंट कम हो जाएगा बिकॉज वी ऑल नो दैट रजिस्टेंस ऑफ अ मटीरियल इज रो एल बाय ए अगर मैंने इनकी थिकनेस कम कर दी पतली पतली शीट्स कर दी तो मैंने एरिया ऑफ प्रोसेशन कम कर दिया एरिया ऑफ प्रोसेशन जब कम हो जाएगा तो रजिस्टेंस बढ़ जाएगी और रजिस्टेंस बढ़ जाएगी तो करंट जो है वो कम हो जाता है ओम्सॉयी बोलता है जब रजिस्टेंस ज़्यादा होती है तो करंट कम होता है और करंट कम होता है तो हीट लॉस आइस कोरो भी कम हो जाएगा फिर भी कुछ होता है आप देखेंगे किसी ट्रांसफार्मर को टच करना हल्का सा वार्म हो गया होता है वो दैट वार्मिंग इज बिकॉज ऑफ एडी करंट लॉसेज इसका भी फायदा उठाते हैं हम लोग खुद से जब पतीसा लाते हैं तो पतीसे के डब्बे को फ्रिज में रखने की बजाय उसको ट्रांसफार्मर के ऊपर रख दो फ्रिज के ट्रांसफार्मर के ऊपर रख दो हल्की हल्की गर्मी आती रहेगी उसको और वो जो आपका पतीसा है वो हमेशा फ्रेश, फ्रेश फ्रेश और गर्म गर्म रहेगा खाने में आपको टेस्टी लगेगा बट दैट एडी करंट लॉसेज आर स्टिल देयर सो हाउ डू यू रिड्यूस एडीकरेंट लॉसेज ये वाला इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हाउ डू यू रिड्यूज एडीकरेंट लॉसेज दैट इज बाई यूजिंग थिन लैमिनेटेड शीट्स इंस्टेड ऑफ अ थिक ब्लॉक ऑफ मेटल ऑन विच द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी कॉयल आर वाउंड फिर मैग्नेटिक फ्लक्स लॉसेज को कैसे कम करते हैं कि भाई मैग्नेटिक लाइन्स कहीं बाहर ना चली जाए तो पहली बात हम यूज करते हैं सॉफ्ट आयरन कोर सॉफ्ट आयरन कोर का जो पर्मियबिलिटी है म्यू आर वो तो टू थाउजेंड है विच मीन्स दैट मैग्नेटिक लाइंस को सॉफ्ट आयरन में से जाना बहुत पसंद है राइट right? बहुत पसंद है फिर एक और रास्ता है कि हम प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल को एक के ऊपर एक लपेट देना तो एक पहले हमने प्राइमरी लपेटी उसके बाद हम उसके आसपास हम कुछ सेकेंडरी लपेट सकते हैं राइट right? फिर आप देखते हैं कि हमारे पास जो है वो Uh, जैसे है न, ये ना ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर्स ऐसे ही रहते हैं हमिंग लॉसेस भी होते हैं ना मोहल्ले के गान ट्रांसफॉर्मर्स के पास जाओ वो गाना गा रहे होते हैं दैट मीन्स वो वाइब्रेशन हो रही हैं कुछ लूज कनेक्शंस हैं सम एनर्जी इज बींग लॉस एज साउंड एनर्जी सो बाय पुटिंग दैन इन मेकिंग टाइट कनेक्शन सो दैट नो मूविंग थिंग्स आर देयर पार्ट्स आर देयर वी कैन रिड्यूस द हमिंग लॉसेज और फिर हीट गर्म हो जाते हैं कोर्स भी गर्म हो जाती हैं तो कोर गर्म हो जाएगी तो वो हीट लॉस गर्म होने से उनकी पर्मेबिलिटी कम हो जाएगी और पर्मेबिलिटी कम हो गई तो फिर भी काम नहीं करेंगे वो तो इसलिए हम क्या करते हैं उसके अंदर हम इसको ऑयल में डाल देते हैं ट्रांसफार्मर को पूरा तो तेल जो है वो खींच लेता है उसकी हीट हमिंग लॉसेज हीटिंग लॉसेज मैग्नेटिक फ्लक्स लॉसेस And eddy current losses in sub the time right? So, dear students, uh, with this we come to the end of our class and uh, we have learnt about uh, everything about transformers. We have looked at the application of transformers for long distance transmission. We have looked at the uh, principle of a transformer, construction of a transformer. Uh, we have looked at the transformation ratio K we've solved uh, a couple of numericals on transformers and we've looked at how many kinds of losses are there in a transformer and how can we minimize these losses right so today's class is being sent to you as a recording uh, so that you may study at your own pace uh, pause understand rewind go back and do well kindly keep making your notes as well uh, if you want me to send you the notes, kindly let me know. Thank you very much. Bye bye. See you tomorrow.